वेलकम बैक टू कार स्टूडियो। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिटेल कंपैरिजन करने जा रहे हैं ह्यूंडई वेन्यू के बेस वेरिएंट्स यानी के वेन्यू ई वर्सेस वेन्यू एस के बीच में, जहां पर आपको इन दोनों ही वेरिएंट्स के बीच में करीब 20 फीचर्स का डिफरेंस देखने को मिल जाता है। बात करें अगर हम प्राइस डिफरेंस की तो एक शोरूम कॉस्ट पर आपको करीब 75,700 रुपये यानी कि 75,700 रुपीज और ऑन रोड कॉस्ट पर आपको करीब 83,000 रुपीज का डिफरेंस देखने को मिल जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि दोनों के बीच में आपको किन किन फीचर्स का डिफरेंस मिलता है। तो डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल कार स्टूडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। तो दोनों के बीच सबसे पहला डिफरेंस आता है म्यूजिक सिस्टम का, जहां पर आपको वेन्यू के एस वेरिएंट के अंदर डुअल डिन का मैनुअल म्यूजिक सिस्टम दिया गया है, जो कि FM, AM, USB और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ आपको मिल जाता है, जबकि वेन्यू के बेस वेरिएंट ई में आपको म्यूजिक सिस्टम नहीं मिलता। दूसरा डिफरेंस है स्पीकर्स का, तो वेन्यू के एस वेरिएंट के अंदर आपको 4 स्पीकर्स दिए जाते हैं जो कि डोर्स में लगे होते हैं, साथ ही यहां पर आपको 2 ट्विटर्स भी दिए गए हैं, यानी कि टोटल आपको 6 स्पीकर्स का सेटअप देखने को मिल जाता है, जबकि वेन्यू के ई वेरिएंट के अंदर आपको कोई स्पीकर्स नहीं दिए गए। तीसरा डिफरेंस है पावर विंडोज का, तो वेन्यू के एस वेरिएंट के अंदर आपको ऑल 4 डोर यानी कि फ्रंट एंड रियर चारों पावर विंडोज दी जाती हैं, जो कि वेन्यू के ई वेरिएंट के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ फ्रंट 2 में ही पावर विंडोज दी गई हैं। चौथा डिफरेंस है दोनों की कीज का, तो वेन्यू के एस वेरिएंट के अंदर आपको 2 की मिलती है, जिसके अंदर आपको एक स्टैंडर्ड नॉर्मल की दी जाती है, जबकि दूसरी आपको रिमोट फ्लिप की ऑफर की गई है, जबकि वेन्यू ई वेरिएंट के अंदर आपको दोनों ही नॉर्मल स्टैंडर्ड की ही मिलती है। छठा डिफरेंस है आउटसाइड रियर व्यू मिरर का, तो वेन्यू के एस वेरिएंट के अंदर आपको आउटसाइड रियर व्यू मिरर बॉडी के लगे दिए जाते हैं, जिसको आप इलेक्ट्रिकली एडजस्ट भी कर सकते हैं, जबकि वेन्यू के ई वेरिएंट के अंदर आपको आउटसाइड रियर व्यू मिरर ब्लैक कलर में मिलते हैं और इसको आपको मैनुअली एडजस्ट ही करना होगा। सातवां डिफरेंस है स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स का, तो वेन्यू के एस वेरिएंट के अंदर आपको स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो एंड कॉलिंग के कंट्रोल्स दिए जाते हैं, जबकि वेन्यू के ई वेरिएंट के अंदर आपको ये कंट्रोल्स नहीं मिलते। आठवां डिफरेंस है रियर एसी वेंट का, तो वेन्यू के एस वेरिएंट के अंदर आपको रियर सीट्स के लिए रियर एसी वेंट भी दिया गया है, जबकि वेन्यू के ई वेरिएंट के अंदर आपको रियर एसी वेंट नहीं मिलता। नवा डिफरेंस है रियर डिफॉगर का, तो एस वेरिएंट के अंदर आपको रियर विंड स्क्रीन के ऊपर रियर डिफॉगर भी दिया गया है, जो कि टाइमर के साथ आपको मिल जाता है, जबकि वेन्यू के ई वेरिएंट के अंदर आपको रियर डिफॉगर नहीं मिलता। दसवां डिफरेंस है रूफ रेल्स का, तो वेन्यू के एस वेरिएंट के अंदर आपको रूफ रेल्स दी जाती हैं, जो कि ई वेरिएंट के अंदर आपको नहीं मिलती। ग्यारहवां डिफरेंस है रूफ माउंटेड एंटीना का, तो वेन्यू के एस वेरिएंट के अंदर आपको रूफ माउंटेड एंटीना माइक्रो टाइप का दिया जाता है, जबकि वेन्यू के ई वेरिएंट के अंदर आपको रूफ माउंटेड एंटीना नहीं मिलता। बारहवां डिफरेंस है ड्राइवर साइड पावर विंडो का, तो वेन्यू के एस वेरिएंट के अंदर आपको ड्राइवर साइड पावर विंडो ऑटो अप एंड डाउन फंक्शन के साथ मिलती हैं, जिसके ऊपर आपको इल्यूमिनेशन भी दी जाती है, जबकि वेन्यू के ई वेरिएंट के अंदर आपको ड्राइवर साइड पावर विंडो नॉर्मल टाइप की ही मिलती है। तेरहवां डिफरेंस है ग्लोब बॉक्स का, तो वेन्यू के एस वेरिएंट के अंदर आपको ग्लोब बॉक्स कूल टाइप का दिया गया है, जो कि वेन्यू के ई वेरिएंट के अंदर आपको नॉर्मल टाइप का ही मिलता है। चौदहवां डिफरेंस है आर्म रेस्ट का, तो वेन्यू के एस वेरिएंट के अंदर आपको ड्राइवर साइड में आर्म रेस्ट विद स्टोरेज स्पेस के साथ दिया गया है, जो कि वेन्यू के ई वेरिएंट के अंदर आपको नहीं मिलता। अगर आप वेन्यू के ई वेरिएंट के लिए आर्म रेस्ट चाहते हैं तो आप इस वीडियो को भी देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पंद्रहवां डिफरेंस है एक्सेसरी सॉकेट्स का, तो वेन्यू के एस वेरिएंट के अंदर आपको फ्रंट एंड रियर यानी के बोथ एक्सेसरी सॉकेट्स दी जाती हैं, जो कि वेन्यू के ई वेरिएंट के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ फ्रंट एक्सेसरी सॉकेट ही मिलती है। सोलहवां डिफरेंस है रियर पार्शियल ट्रे का, तो वेन्यू के एस वेरिएंट के अंदर आपको रियर में पार्शियल ट्रे भी दी गई है, जो कि वेन्यू के ई वेरिएंट के अंदर आपको नहीं मिलती। इसके अलावा वेन्यू के एस वेरिएंट के अंदर आपको को ड्राइवर साइड सीट के पीछे बैक पॉकेट, को ड्राइवर साइड सनवाइजर के अंदर वैनिटी मिरर, लगेज रूम के अंदर इल्यूमिनेशन, आई ब्लू लिंक टेक्नोलॉजी और फॉलो मी हेडलैम्प जैसे फीचर्स वेन्यू के एस वेरिएंट के अंदर मिल जाते हैं, जो कि वेन्यू के ई वेरिएंट के अंदर आपको
नहीं मिलते। तो दोस्तों ये था कंपैरिजन वीडियो इन दोनों ही वेरिएंट्स के बीच में। उम्मीद करते हैं आपको अब इन दोनों ही वेरिएंट्स के बीच का कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जल्द लौटेंगे ऐसी ही एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।